नहीं यार, जिंदा लग रही आंखें खुली। कांप रही है, कांप रही है ना। हाँ हाँ, बाहर निकाल दे रहा इसको, बाहर निकाल, बाहर निकाल। प्रेग्नेंट है माशाल्लाह। हाँ क्या हुआ है यार, ये फीमेल कुछ कर रही नहीं थी, वो देख क्या हुआ। पट्टे में डालने आया हूँ, रात के पट्टे ऐसे ही पड़े हैं। बाहर निकाल दे रहा इसको। ये रात के पट्टे पड़े हैं, ये रात के पड़े हैं। मतलब इतने सारे डाले हैं तूने इसको? ये सुबह भी नहीं, इसने कल खाए थे। सुबह भी नहीं खाए? सुबह भी नहीं। बाहर निकाल उधर है इसको। ये तो मरी हुई है। ओए होए होए, नहीं यार जिंदा लग रही आंखें खुली। ओए कांप रही है, कांप रही है ना। हाँ हाँ, बाहर निकाल दे रहा इसको, बाहर निकाल, बाहर निकाल, बाहर निकाल। ओए तो अकड़ी हुई है। ओए इसको क्या हो गया? ये अभी मरी है मेरे ख्याल से, जिस समय इसका इतना ज्यादा नहीं अकड़ा हुआ अभी। मतलब कल सुबह इसने कुछ भी नहीं खाया, फिर भी ऐसी बड़ी। तो फिर भी वैसी बड़ी है इसकी, देख कितनी बड़ी इसकी। नहीं उनकी देख, जरा उनकी बड़ी भी नहीं, किसी की भी नहीं बड़ी। तो भाई सुबह कल मैंने इसका ब्लॉग बनाया था, इतनी एक्टिव फीमेल थी ये, ठीक है। बस क्या कर सकते हैं, जिंदगी में होते हैं, उसके साथ तो इंसान नहीं लड़ सकता है बिल्कुल भी। मतलब सुबह इसने कुछ भी नहीं खाया, शाम को भी कुछ नहीं खाया, दिन को भी कुछ नहीं खाया। तो पागल है यार, मुझे याद ही नहीं। तो बता तो सही भाई, उसको कोई मेडिसिन तो दें। अरे भाई अब क्या कर सकते हैं, मतलब उसने सुबह भी कुछ नहीं खाया, उसने शाम तक दिन को भी कुछ नहीं खाया, उसने रात को भी कुछ नहीं खाया, और इन साहब ने मुझे बताया भी नहीं है कि भाई उसने कुछ भी नहीं खाया। उसको चलो कम से कम, चलो जिंदगी में होता है, मेडिसिन देने से भी शायद वो ना बचती, लेकिन इंसान अपनी कोशिश तो करता है ना। इंसान कोशिश करता है कि चलो जी हमारा पीस बीमार है, उसके साथ कुछ करें। अब इतनी क्वालिटी वाली, इतना ज़बरदस्त ब्रीडर फीमेल, ठीक है, नहीं क्या हो सकता। तो मुझे लगा शायद कांप रही है वो, असल में ना पिंजरा वाइब्रेट हुआ ना, मुझे लगा शायद कांप रही है। अब देखो क्या करते हैं इसका। तो भाई हमारे मिनी सेटअप का आज एक कह लें कि छोटा लॉस, तो हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि भाई हमारे ये ब्रीडर फीमेल थी। ब्रीडर फीमेल मतलब एक होना चलो बच्चा हो, क्योंकि इतनी बड़ी मेहनत थी इसके ऊपर, और ये रहा इसका मेल। इतनी बड़ी मेहनत थी इसके ऊपर, और इतनी मेहनत के बाद ये फीमेल हमारी जो है वो एक्सपायर हो गई। क्या कर सकते हैं, उनको भी देखी भाई, उनको देखी, उन्होंने खाया हुआ सबने, जैसे फीड खाई भी अपनी, फीड खाई भी, ठीक है। तो भाई कल हमारी पहले इस फीमेल का नुकसान हो गया था, इसने बनीस पहले डिलीवर कर दिए, चलो अल्लाह का शुक्र है कि उसने खाया हुआ है वो, ठीक है। कल इसको हमने टाइम पे मेडिसिन दे दी थी। तो भाई जब भी आपके रैबिट बीमार हो, उनको टाइम पे, क्योंकि भाई ये बहुत नाजुक चीज़ें होती हैं, टाइम पे मेडिसिन देने, कोई इनके अंदर कोई वो कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है कि यार फलानी मेडिसिन, सिंपल इंसानों वाली मेडिसिन। किसकी, इसकी डेट चेक करनी है? आज 9 है, कितने दिन हो गए? 7 दिन। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है 7 दिन हो गए। डन है, पकड़ो निकालो बाहर इसको, चेक करें। तुम बड़ा ही नुकसान हो गया भाई, निकालिए ये, पकड़ो कैमरा पकड़ो, इसको चेक करो। तो भाई इस फीमेल को मेट हुए हुए हैं ना, तो 7 दिन हो गए हुए, तो हम 7वें दिन या 8वें दिन हम फीमेल को चेक करते हैं कि वो प्रेग्नेंट है भी कि नहीं। तो भाई इस तरीके से हम फीमेल के कानों से पकड़ते हैं और इस तरह से चेक करते हैं, उसके पेट के अंदर बनीस को सर्च करना होता है बेसिकली, सही है। ले भाई प्रेग्नेंट है माशाल्लाह। एक नुकसान हुआ, एक फायदा हो गया भाई, इसी तरह होता है सब कुछ, ठीक है। तो इंसान को भी दिल नहीं आना है, कुछ नहीं होता, उधर नुकसान हो गया इधर फायदा हो जाएगा, अभी मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। फीमेल अल्लाह करेगा और आ जाएगी, लेकिन ये कि भाई अभी हमारे पास 2 फीमेल्स प्रेग्नेंट हो गई। क्रॉस तो ये भी थी, कौन सी, ये जो एक्सपायर हुई है, ये 10 को ही थी, ये 9 को ही थी, ये 9 को ही थी, उसके पास है प्रेग्नेंट ही होगी। चेक करूं नहीं, छोड़ वो मर गई, उसने क्या चेक करना, इसका तो पेट इतना हार्ड है, तो भाई ये जानवर अकड़ गया हुआ है, वो उसको दूर कर दे उससे, वो देख मुझे इसके पैर में भी लग रहा है। मैं नहीं पता लग रहा, चले भाई सुबह सुबह एक नुकसान ये हो गया,
लेकिन ये खुशखबरी ये आगे कि हमारी ये फीमेल भी प्रेग्नेंट है, एक हमारे पास वो नेदरलैंड की फीमेल प्रेग्नेंट है और उसमें उस मैडम ने तो कल नुकसान करवा दिया। खैर अब क्या कर सकते हैं, चलो जी इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, ठीक है। फेंक दें उसको, फिर क्या करें इसका, अभी रख दे अंदर, रख दे बाद में देखते हैं, अभी एक्सपायर तो होगी नहीं, कुछ भी नहीं होता, रख दे अंदर, चलो। हाँ तो भाई ये बहुत बड़ा एक नुकसान है, चलें क्या हो सकता है, ठीक है। हाँ पट्टे पट्टे उठा दे, पट्टे उठा दे, वो सारे उठा दे, ये फीड भी उठा के फेंक दे इसके, फिर और ना खा लेना, ये फेंक दे, बाकियों को भाई मैं खुद ही देख लेता हूँ, क्योंकि ये तो एक्टिव है माशाल्लाह से। ये मैडम कल थोड़ी एक्टिव नहीं थी अभी, लेकिन माशाल्लाह ठीक है, इसने खाना भी खाया हुआ है, ये तो माशाल्लाह दिखने में एक्टिव है। यार इसकी जगह चेंज ना कर दें फिर, इसने बच्चे तो देने नहीं है, इसकी जगह चेंज कर देते हैं, क्या कहाँ पे, यहाँ पे या ऊपर डालें, क्योंकि देख वो पहले उधर थी, हमने क्योंकि भाई हमारा ये न्यू केज है ना, तो हम चाह रहे हैं कि जितने भी रैबिट्स हैं ना उनको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दें और ये वाले केजेस हमारे खाली हो जाए। खेलते कैसे निकालने पर, ओ अच्छा जी भाई आज भाई निकाल दे, अभी मूड नहीं है उसका, छोड़ दे बंद कर दे, कहाँ डालें फिर, कर देते हैं इसको, इसको मेल को, तो ऊपर क्या डालना है, ऊपर नहीं जो लानी है वो, एक नई भी तो हम लेके आएंगे ना एक दिन। हाँ चलो भाई कोई सेटिंग बनाते हैं भाई, हमारा माइंड ये है कि हम लोग शायद टेडी बियर की और फीमेल्स परचेज करें, तो मे बी या टेडी बियर या हॉट टॉट कुछ भी लेंगे, तो हमारा माइंड है कि वो, क्योंकि उसको भी तो उठाना है ना वो नेदरलैंड को, वो बच्चे देगी उसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे ऊपर कहीं पे, और एक जो नई फीमेल आएगी उसको यहाँ रख देंगे, अब जाहिर है इसकी जगह भी तो नहीं लेनी है ना, हॉट टॉट रखनी है, ठीक है डन है। हाँ यहाँ पे एक हॉट टॉट आ जाएगी भाई, ये तो बल्ला को प्यारी होगी, अब क्या कर सकते हैं, मेल को इधर कर दें और वो ब्राउन वाली को यहाँ डाल दें, उठाओ मेल को, उठाओ यहाँ पे डालो, मेल आ गया हमारा यहाँ पे, उसको बॉक्स में ही उठाओ, उसको लाके ना इसके अंदर डालो यहाँ पे, तो भाई इस तरह के लॉस होते हैं रैबिट फार्मिंग में, बल्कि कोई भी लाइफ स्टॉक का काम कोई भी है ज़िंदगी में होता है भाई, इंसान उसका कुछ भी नहीं कर सकता है, लॉस हो जाता है, ठीक है। अब देखो बिल्कुल एक्टिव, ये इतनी एक्टिव थी कि ये पकड़ी भी नहीं जाती थी, ऐसे केज में हार डालते थे और इतनी एक्टिव थी, अब देखो अचानक कोई कुछ नहीं, मतलब कल अगर मे भी कि कल ये बताता मुझे, क्योंकि इसने बताया नहीं, मैं सुबह भी लोग बनाए हमने और मैं चला गया, उसके बाद मैं इधर आया नहीं, तो उसने मुझे बताया भी नहीं कि उसने कुछ खाया हुआ नहीं है। बॉक्स साफ कर दे, थोड़ा सा साफ कर दे, गंदा हुआ हुआ है, ये बाल उतार दे सारे, ये हाँ ठीक है बाल उतार दे, कुछ नहीं बस ऐसे हाथों से पकड़ और उतार दे, कोई ऐसे वाली बात नहीं है, बस थोड़ा साफ हो जाएगा ना। चलो भाई इस फीमेल के भी एक नई जगह आ गई है, तो भाई इसकी शिफ्टिंग हम लोगों ने पहले इसलिए नहीं की थी कि इसने बनीज देने थे, तो कल इसने बनीज टाइम से पहले ही डिलीवर कर दिए, तो क्या हो सकता है, तो इस वजह से फिर हमने बोला कि इसको शिफ्ट कर देते हैं, ताकि फिर क्योंकि भाई वो केज काफ़ी छोटा है इनके लिए, इस केज का साइज़ बड़ा है, ज़रा इजीली रैबिट अंदर रह सकता है। हाँ इस रुख से ही रख देते हैं। हाँ भाई खुश हो, ठीक है चलो बंद कर दो, फीड लगा दी डब्बी, वो वाली ना लगाई, वो डब्बी पड़ी हुई ना, और बस वही वाली डिब्बी निकाल के इधर लगा, यहाँ से उतार ले, ठीक है। तो भाई लोग शाम का टाइम हो गया हुआ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को सुबह बताया था कि भाई हसीब और उसकी फैमिली जो है वो कराची जा रहे हैं, और इन लोगों का ये इतना बड़ा सेटअप माशाल्लाह भाई, इसके लिए भी लाजमी बोल दीजिएगा, ठीक है, इतना बड़ा सेटअप जो है, तो भाई ये मुझे सोम के जा रहे हैं कि भाई तुमने जो है इनका ये दाना वगैरह डालना, हर चीज़ मैनेज करनी है, तो भाई इन लोगों ने कल जो है वो चले जाना है, रैबिट्स तो ज़ाहिर है भाई वो उनको मैं ही देखूंगा, और इनका जितना भी ये भी सेटअप है ना भाई, ये सारा मैंने ही हैंडल करना है, ठीक है। तो भाई क्योंकि इसको देखना है कि भाई दाना कैसे डलेगा, कितने बजे डलेगा, मतलब हर चीज़, ठीक है। तो भाई अभी इनका जो है वो दाने का टाइम है, ठीक है, दाने वाली बाल्टी आ गई बाहर, ठीक है, तो बस ये देखना है कि भाई दाना कैसे डलता है, कितना कितना डलता है, ये सब चीज़ें देखनी है, ताकि फिर ये लोग जा रहे हैं कराची तकरीबन शायद 10 दिन के लिए, शायद 15 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी जा रहे हैं, तब तक मैं देखना है कि भाई कैसे कैसे सब कुछ होगा। आ जाओ भाई चलें फिर। तो भाई इतने सारे कबूतर हैं, पता नहीं हैं कितने, कोई सौ के हिसाब से ही हैं ये तो मुझे कुछ लग रहा है, लेकिन हैं बहुत सारे। ऐड करें फिर, बोरी इसकी कितनी रहेगी भैया वैसे? हाँ दो बोरियाँ ला देंगे, 20 दिन। दो बोरियाँ अभी? अच्छा ओह हो,
डलेगा कितना? दोबारा खोलूं भाई रे ना आ जाए एक प्याला। ओह तो भूखे हुए हैं अभी सारे। एक प्याला भर के और एक इतना सा। ठीक है डन है। और बस ये हैं कितने इतने सारे? ये सारे 500-600। माशाल्लाह जबर। तो भाई हम लोग यहाँ से थोड़ा सा दरवाज़ा खोल के देख लेते हैं कि ये बाहर ना आ जाए। किधर है किधर है? चलो उसको भी देखते हैं बाद में, पहले डालो दाना। तो भाई इन लोगों ने प्याला रखा हुआ है, सही है। एक प्याला भर के और एक थोड़ा सा, बस एक ये भर के आ गया। और ओए 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 ओए। अरे भाई ये तो चुड़ैले हैं भाई, नेक्स्ट मतलब सब क्या इतना इतना ही डलेगा। तो ये एक एक पोर्शन में कितने कबूतर है? एक दो तीन चार, मतलब 100-125 होंगे सब में। ठीक है 4-5 भाई, 5 खाने। 1-2-3-4 और भाई यहाँ पे ये एक नहीं है, ये दो हैं। एक इस तरफ कमरा है और एक कमरा इस तरफ है, सही है। तो ये टोटल 5 है। कहाँ पे? क्यों यहाँ थोड़े हैं, यहाँ थोड़े हैं। ठीक है एक डिब्बा हो गया वहाँ पे, सवा सवा वहाँ, इन दोनों में सवा डब्बा और यहाँ पे एक डब्बा। अच्छा इसका रास्ता भी अंदर से। ठीक है भाई यहाँ पे भी सवा डब्बी आएगी। तो ये तो डबल खाना नहीं है ये वाला? एक हाथ से थोड़ी ज्यादा, एक में दोनों में डालनी है। तो वही हिसाब हो गया ना, सवा डब्बी आएगी। ठीक है डन है डन है। और एक अंदर डालनी है। ठीक है तो भाई थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि भाई ये बार बार उठते इतने ज़्यादा हैं कि ये लोग तो आदि हैं, हम लोग आदि नहीं है भाई। चलो एक दो दिन हो गया लेकिन ये एक ही बार सेट हो जाएंगे। उधर भी एक डब्बा। किधर? उधर भी डालना है। तो भाई मैं अंदर आ जाता हूँ। भाई हम लोग आ गए अंदर, इसका दरवाज़ा यहाँ से और इसकी एंट्रेंस यहाँ से। अच्छा जी यहाँ पे मतलब इस पोर्शन में 3 डलने हैं, एक वहाँ पे, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे। डन। और इनके बच्चों वगैरह का कोई मसला तो नहीं है? तो बच्चे भी काफ़ी सारे बाहर आ जाएं, कुछ कोई सीन नहीं है, खुद ही करेंगे मैनेज। अच्छा ओके ठीक हो गया डन। चलें बाहर चलो। और ये जो ऊपर है इनका क्या होगा? ये आ जाएंगे खुद ही, ये खुला होगा, ये खुला ही रहेगा कि इसको बंद करना है? इसको बंद करना है, इसको बंद करके जाना भाई। सारे नीचे आ जाएंगे फिर इसको बंद कर देंगे। ये खुद ही नीचे आ जाते हैं सारे? सारे भी है। अरे भाई आ रहे हैं वन बाय वन करके, ये लोग भी आएंगे अभी नीचे। ये आया अभी आएगा नीचे। मतलब सब ये जब तुम लोग जाओगे इसको बंद करके जाना ताकि फिर भाई मेरे से नीचे नहीं है, ये ऊपर जाए ही ना, ये नीचे ही रहे बस। और पानी का क्या करना है? हाँ पानी की जो है ये बोतल निकाल के इसको खोल के बस, ये उल्टी इसका तो बता है मुझे बस। एक दिन में एक डब्बी पी जाएंगे ये इसकी बोतल जो? एक दिन में एक, मतलब डेली डालना पड़ेगी। और इस पिंजरे में क्या है? वैसे दो दिन भी निकल जाता है पानी। इस पिंजरे में क्या है? ये वैसे खाली रखा, खाली है, मुर्गे रखे हुए। अच्छा डन है, सही है। तो अब इस मैडम का क्या करना है? ये तो अब अल्लाह को प्यारी हो ही गई है। ठीक है इसकी तो सारी मुझे समझ आ गई है, मैं कर लूंगा मैनेज सारा कुछ। बस ये ऊपर से बंद करके जाना और ताले ताले लाए, ताले ले आए। ठीक है तो भाई इन लोगों ने कल जाना है, ठीक है। तो भाई आज ही सारी चीज़ें करेंगे क्योंकि भाई कल तो उनके पास टाइम हो गया रहे। ठीक है तो मैंने इसको बोला भाई यहाँ पे 1-2-3-4-5-6 दरवाजे, ठीक है। तो भाई मैं तो यहाँ पे होऊंगा नहीं, मैं अपने घर पे होऊंगा तो पीछे पता नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे सब घर जुड़े हुए हैं तो एहतियात बड़ी ज़रूरी होती है। तो भाई इसलिए हम लोग, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे ताले होते नहीं है, तो मैंने इसको बोला कि भाई यहाँ पे सबके सब ताले आ गए हैं ना, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सबके सब ताले 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 ले ताले लाओ फिर ताले लगाए, ठीक है। तो भाई चाबियाँ मैं ऐसे ले लूँगा, इन सब दरवाजों को लग जाएगा ताला। बस जिस टाइम मैं आऊँगा इनको डालने के लिए खाना वाना, बस यहाँ पे ताला लग जाएगा, मेरा सेफ्टी हो जाएगी। जब भी मैं आऊँगा खाना डालने के लिए तो बस ये होगा, ताला खोला, खाना डाला और वापसी। तो भाई सब इसका भी कुछ करते हैं, देखते हैं अब क्या करना है इसका। भाई फेंक देंगे और क्या करेंगे भाई, पहले तो मेरा मन था कि पोस्टमार्टम करवाते हैं, फिर मैं कहा चलो छोड़ो यार ताले आगे। ये काम ठीक हो गया, नंबर इन पर लिखती है, नंबर लिख दिया। तो भाई ए बी सी आ गया इनके ऊपर, ए बी सी, ठीक है। 3 है ना ये, बाकी का है? बाकी का ये 2 होगी चाबी ऊपर, ऊपर में लगा दिए।
वो नजर आ एक वो लग गया, वो मुझे पता है एक वो लग गया, एक वो अंदर वाले दरवाजे को लग गया, एक मैं तुझे भी पकड़ा एक दो तीन तीन ये बाहर के हो गए और सिर्फ एक रह गया यहाँ वाला, एक सिर्फ यहाँ वाला रह गया भाई। यहाँ पे भी दरवाजे हैं, दरवाजे यहाँ बहुत सारे, एक दरवाजा ये है, एक दरवाजा ये रहा और एक दरवाजा वहाँ अंदर वो कॉर्नर पे दिख रहा होगा, एक दरवाजा वहाँ पर है। सही हो गया, अभी ताले आ गए, बस ताले आ जाएंगे, जरा सेफ्टी हो जाएगी। तो भाई लोग वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, डे को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।